कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। ये एमपी पुलिस है, ये हमेशा आपकी सुरक्षा में तैनात रहती है। अपना सुख दुख भूल के ये जवान लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज भी एमपी पुलिस के जवान मदद के लिए उतरे हैं। मदद दो अनाथ बेटियों की, जिनके माता पिता 15 साल पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। एक भाई है जो मजदूरी करता है। पिछले दिनों आई आंधी तूफान की वजह से इन बहनों के घर का छप्पर उड़ गया था, लेकिन जैसे ही पन्ना की धर्मपुर पुलिस को इस बात की जानकारी लगी, थाना प्रभारी सुधीर वेगी और थाने पर तैनात पुलिसकर्मी मकान निर्माण कार्य के दौरान पहुंच गए और श्रमदान करने लगे। इन लड़कियों के घर को ठीक कराने में कुछ समाज सेवियों ने भी मदद की है और अब ये बेटियां काफी खुश हैं और सबका धन्यवाद कर रही हैं। जी, आज जो आपका मकान में छत में लेंटर पड़ा हुआ है, किन किन लोगों सहयोग से हुआ है और कैसा लग रहा है आपको? जी सर, आज ये जो हमारे मकान में छत लेंटर पड़ रही है, इसकी वजह हम सुधीर सर को, अपने थाना प्रभारी सर सुधीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके साथ साथ जो लोगों ने मदद की है उनका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके साथ साथ शासन ने भी जो हमारी मदद की है और हम शासन से दरखास्त करते हैं कि आगे भी हमारी मदद करें। इनके साथ साथ इन सभी लोगों ने भी हमारी मदद की है। आपके इस मकान में जो निर्माण कार्य हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें बनाई जा रही हैं? जी सर, हमारे इस मकान में किचन है, लेटरिंग बाथरूम है और कमरे हैं और सब, मतलब टाइल्स वाइल्स लगवाने की, पुट्टी उट्टी करवाने की सब व्यवस्थाएं करवा रहे हैं सर, लाइट फिटिंग और ये सब हो रहा है। दरअसल इन लड़कियों के मकान टूटने के बाद प्रशासन की तरफ से महज 48,000 रुपए की मदद मिली थी, जो छत डलवाने के लिए नाकाफी थी, जिसके बाद समाज सेवियों ने मदद का हाथ बढ़ाया और साथ ही एमपी पुलिस के जवानों ने श्रमदान करते हुए इस घर के निर्माण का कार्य पूरा कराया। आज से करीब 10-15 दिन पहले एक बहुत तेज आंधी आई थी, तूफान आया था। जो हमारे जी पूनम जी है, जो दोनों बेटी बच्चियां हैं, इनके माता पिता नहीं है, इनके 10-15 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। इनका पूरा मकान गिर गया था और छप्पर उड़ गई थी। तब इनने मेरे जी कॉल किया था, तो मैं यहाँ आया था। तब हमने निर्णय लिया था कि इस कच्चे मकान को पूरा पक्का बनाएंगे, जिसमें मैंने यहाँ के जो समाज सेवी हैं उन लोगों से अपील की थी कि इसमें जन सहयोग करें, जो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इसमें जन सहयोग भी किया है और शासन से भी इनमें इनको 48,000 रुपये की मदद मिली है। आज ये पूरे गाँव वालों के साथ, हम अपने स्टाफ के साथ यहाँ आए थे और आज इनकी छत डलवाई, तो हम लोगों ने श्रमदान करने का फैसला लिया था। इस मकान में दो कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम और किचन है। इस मकान में सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक सामान्य मकान में होती हैं और मैं जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है, मैं अपने पुलिस परिवार की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं और जे लोग भी जो काम कर रहे हैं, आज फ्री काम कर रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पुलिस परिवार की तरफ से यहां आए। जिन लोगों ने सहयोग किया है उन सभी को पुलिस परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जीवन अच्छा हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। कोरोना काल के दौरान भी एमपी पुलिस के जवानों ने इन बेटियों के घर राशन पहुंचाया था और अब पुलिस के जवानों ने घर के निर्माण में मदद की है। इस क्षेत्र के लोग एमपी पुलिस की दरियादिली की तारीफ करते नहीं थकते हैं। पन्ना से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।